सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, तो आपको जैसे कि पता होगा कि वैक्सीनेशन का हमारे देश में तीसरा फेज शुरू हो चुका है। जो शुरू के दो फेज थे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए और जिनकी एज 45 से ज्यादा थी उनके लिए था, और जो तीसरा फेज अभी शुरू हुआ है वो जिनकी एज 18 और 45 के बीच में है ये उनके लिए है। और जैसा कि 28 अप्रैल को ये जब शुरू हुआ था इनके लिए रजिस्ट्रेशन, तो पहले ही दिन हमारे देश में लगभग 1.3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ करना है, क्या ये फ्री है, आपको वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो काम की जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके दिमाग में ये हो सकता है कि आप कहाँ पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 3 ऐसे पोर्टल शुरू किए गए हैं जहाँ पर आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला पोर्टल है कोविन पोर्टल, जिसमें आप ये वाली साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने आरोग्य सेतु ऐप का नाम जरूर सुना होगा, उस पर भी कर सकते हैं। और जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो है उमंग ऐप। तो इन तीनों में से आपको याद रखना है कि आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, और आप 3 में से किसी एक पर करें और तीनों पर ना करें, नहीं तो हो सकता है कि शायद जो आपका शेड्यूल होगा वो तय नहीं हो पाएगा। इससे अगला जुड़ा सवाल ये हो सकता है आपके दिमाग में कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें और क्या ये फ्री है। तो हाँ, बिल्कुल, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री है, और आप नॉर्मल इसमें कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रोसेस है इसके लिए। सबसे पहले आप ये, जैसे कि हम उदाहरण लें, तो आप कोविन पोर्टल पर जब जाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि नाम और एज आपकी। उसके बाद आपसे कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा। तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक आधार यूज कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट, या फिर वोटर आईडी। इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, आपका जब भी शेड्यूल तय होगा, तो आप ये जो आइडेंटिटी कार्ड है आपको सेंटर पर ले जाना जरूरी है। कभी आप नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको टीका लगाने से मना कर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपके दिमाग में ये बात भी होगी कि क्या आप ऑन द स्पॉट सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं। ये जो अभी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी एज 45 से ज्यादा है। आपके दिमाग में अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या जो आप वैक्सीन लगवाएंगे वो बिल्कुल फ्री है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, ये फ्री है। हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने वैक्सीन की जो प्रोसेस है उसको फ्री कर दिया है। तो आप इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जब सेंटर में जाएंगे तो आप इसको फ्री में लगवा सकते हैं। पर कभी वहाँ पर जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी आप वहीं लगवा सकते हैं। कभी वहाँ पर कोविशील्ड हुई तो कोविशील्ड लगवाएंगे, और कोवैक्सीन हुई तो कोवैक्सीन। पर कभी आप प्राइवेट सेंटर में जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन चूज कर सकते हैं और लगवा सकते हैं, पर इसके लिए आपको ₹250 चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ में आप इसमें देख सकते हैं कि जो दोनों वैक्सीन है उनके क्या रेट है, तो वहाँ पर पूरे लिस्ट लगी रहेगी और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन की कितनी रेट है। जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा कहा गया है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन रहेगी। अभी तक हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीका लगवा लिया है। साथ ही साथ में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना और उनको टीका लगाना, उनको अवेयर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप भी अपने जो आसपास के लोग हैं उनको टीके के बारे में, वैक्सीन के बारे में अवेयर करें, और साथ ही साथ में जो भ्रांतियां और जो गलत खबरें चल रही है उनको उनके दिमाग से दूर करने की कोशिश करें, और उनको ऐसा कहें कि ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और उनको जागरूक करें कि आप टीका लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि एक दो दिन कुछ थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें होगी, पर ये जीवन भर के लिए, और जो ये वायरस है उससे अपने को बचा के रखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये ताकि ये जो काम की जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैं आपको हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। और कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।